इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूजन का समय जानकर गुरुदेव भगवान शालग्राम नरभद्रेश्वर प्रभु का पूजन करेंगे। इतदर पुष्प बिल्वपत्र दल, दल बोले तो तुलसी दल, पुष्प नाना विधि पुष्प बिल्वपत्र लेने राम लक्ष्मण प्रभु जनक जी की वाटिका पधारे। अब आप विचार करिए, अतिथि हो गए तो जिसके यहां गए थे उसका कार्य है कि पुष्प लाओ, दल लाओ, बेलपत्र लाओ, जल लाओ, दूध लाओ, है? पांच पसरी फूल लाओ, बेलपत्र लाओ 1100, भाई विपत्र। शिवाजी बाबा की जय हो, जय हो। तो राम लक्ष्मण प्रभु स्वयं गए, गुरु जी को क्या पसंद है, क्या चाहिए, क्या क्या पुष्प चाहिए, क्या दल चाहिए, कितना चाहिए, तो खुद ले आएंगे। अब दूसरे को बताएं तो भाई विपत्ति, इसलिए नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी के घर भी रुका जाए तो वाटिका का फूल न बेरहा जाए, क्योंकि जो लगाता है वो फूल तोड़ना पसंद नहीं करता है, वो देखना पसंद करता है। ब्यूटी इज टू बी रियलाइज, नॉट टू बी प्लक, तोड़ने के लिए नहीं है, पुष्प का सौंदर्य दर्शन के लिए। एक बार गुरुदेव भगवान रामकृष्ण मां को चढ़ाने के लिए पुष्प उतार रहे थे तो मां ने हाथ पकड़ लिया, राम क्या कर रहे हो, मां आपके मंदिर में तो चढ़ाने के लिए आपके लिए ले जा रहा हूं। मां बोली, ना ये सब मेरे पर चढ़े हुए हैं, तुम्हें दिखता नहीं है, मैं कहां नहीं हूं, सब जगह हूं। इसलिए किसी की बगीची में, वाटिका में, किसी के घर में गमले में लगे पुष्पों को उतार कर भगवान तक न पहुंचाइए, वो पहुंचे हुए हैं, सब पहुंचे हैं। भगवान कितना सुंदर, 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ, चातक कोकिल खीर चकोरा पूजत बिहग वर्षा नटत कल मोरा चातक को। चंदन वाली बिटिया को बोलो चंदन बंद करो, ए बिटिया ऐसे करोना पीटे नहीं छोड़ रहा है, ये माथे से वो माथे, वो माथे से वो माथे, चंदन लगाएगी न जाने किसको बुखार हुआ, दूसरे को और पकड़ लेगा। घर से चंदन लगा के आया करो, जहां भी जाइए मंदिर में प्रणाम करिए। अब एक एक कटोरा में बाबा जी रखे सबको ठोंके पड़े हैं, पकड़ लेगा, आजकल चल रहा वायरल, इसलिए प्लीज सावधान रहिए। हाँ, अपने घर में चंदन घिसी है उसको लगाइए, साधु रहिए, साधु बनिए मत, साधु बना नहीं जाता, साधु रहा जाता है, साधु हुआ जाता है। कल से कोई नहीं लगाएगा, बुखार हो गया तब तो हो गई कथा, हाँ कदापि नहीं, यह सब न करिए, बात न करिए। और ध्यान रखना, माताओं को ललाट भर चंदन लपेटना भी नहीं चाहिए, माताओं को छोटा सा तिलक लगाना चाहिए,
और श्री राम पटल में तो लिखा है वैष्णव को भी पूरे माथा भर चंदन नहीं लगाना चाहिए, केवल शैव को लगाना चाहिए। महाराज श्री राम पटल में वर्णन है महाराज, शंकर जी के जो भगत हैं उनको पूरे माथे चंदन लगाना चाहिए, कृष्ण भक्त राम भक्त को नहीं लगाना चाहिए। हम लोग तो रेल की पटरी वाले हैं, हाँ वैष्णव तिलक लगाते हैं। तो एक बार कोई हमको मिले कहे कि आप तिलक में बहुत समय लगाते हो, हमने कहा आपका कम लगता है क्या, बोले हम तो सांचा रखे हैं ठोप देते हैं। अब बताओ क्या महाराज आप भी क्या बना रखे हो, ओहो थोड़ा खिसाई हो चंदन महाराज, चंदनस्तो महत्तरियम पवित्रम पापनाशनम। देखिए भगवान गुरुदेव भगवान के लिए पुष्प दल बिल्व पत्र लेने गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र हैं राम, राजाधिराज महाराज रघुचंद, लेकिन मर्यादा राम जी की दर्शनीय है, रत्न जड़ित चारों घाट उस दिव्य वाटिका में सरोवर के बने हैं, भगवान को परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख, प्रभु को सुख प्राप्त हुआ सरोवर दर्शन करके। इतने में माली लोग दिखाई पड़े, भगवान ने चतुर्दिक देखा लेकिन मालियों से पूछा चहु देश चेत सुयोग है, ये संयोग नहीं सुयोग है। सुयोग क्या है, माली गणों से सानुमति भगवान पुष्प दल उतारने लगे, ठीक इसी समय मां के भेजे पर जगजननी पारंबा जगदम्बा श्री सीता मैया हमारी गौरी पूजन के लिए पधार रही है, सखियां बड़े आनंद में हैं। गौरी दरबार चलो हो सखी को गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया, गौरी दरबार शंभु दरबार सजावटा।
श्रृंगार लहु सखी गोपिया में कोई दरबार लहु सखी गोपिया में ओ चाहती अधिक अनुरा सुभग गौरा जी के भोले सब मैया जी के भोले सब मैया जी के भोले सब सखी जय माँ भगवती की पूजा में जग जननी विराजमान है। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई फुलवाई ते दो बंधु बिलो किसी हर्ष प्रेम विवश सीता पहीं आई। इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।